इंडिया में काफी सारी एस आ रही है लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जो बार बार लोग लेते जा रहे हैं ओवर एनी एसयूवी और ऐसे नहीं कि एक दो बार लिया है एक मॉडल लिया फिर बेच के वापस उसका न्यू जनरेशन लिया फिर बेच के न्यू जनरेशन लिया कौन सी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ हॉन्डा सिटी अब उसको और एक अपग्रेड आ गया है जहाँ पे आपको मिल जाते हैं न्यू फीचर्स एंड कुछ कुछ नया सो इज इट स्टिल वर्थ बाइंग द न्यू हॉंडा सिटी 2023 में तो देखते रहिए वीडियो एंड तक लेट्स गो देखिए होंडा सिटी हमेशा से एक प्रीमियम सडैन थी बट अब इन्होंने थोड़ा अप्रोच चेंज कर दिया है तो जो 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई थी उसमें आपको क्रोम आगे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था यहाँ पे इन्होंने क्रोम की कहते हैं ना मात्रा कम कर दी है परसेंटेज कम कर दिया है और ज़्यादा फोकस दिया है टूवर्ड्स ब्लैक जो इससे ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है तो इसको नया ग्रिल आ जाता है जो कंप्लीटली ब्लैक डाउट है इवन जो इसका बंपर है वहां पर आपको सारे ब्लैक एलिमेंट्स दिखाई देंगे और जो क्रोम एलिमेंट है वो थोड़ा मिनिमल कर दिया गया है और वो सिर्फ ग्रिल के ऊपर आता है अब इसमें आपको एलईडी हेडलैम्स आते हैं ऑन द हायर वेरियंट तो इसमें से छह लाइट जो है आर फॉर लो बीम एंड जो बाकी की तीन है आर फॉर हाई बीम जैसे आप साइड की तरफ बढ़ोगे यू विल नोटिस कि जो हॉंडा सिटी का सिलुएट पैटर्न रहा है यानी कि 2014 में जो हॉन्डा सिटी आई थी वो पैटर्न उन्होंने अभी भी यहाँ बरकरार रखा है उसमें मेजर चेंजेस नहीं किए गए क्योंकि ये आपको अच्छा खासा व्हील बेस देता है और कहते हैं ना जो चीज़ अच्छी है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है तो वो यहाँ पे बरकरार है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो 2020 में गाड़ी लॉन्च हुई थी हॉन्डा सिटी उसका ही ये एक फेस वर्जन है आपका जो लेफ्ट साइड का मिरर आता है उसके नीचे आप नोटिस करोगे कि एक कैमरा दी हुई है जो बेसिकली जब आप इंडिकेटर देते हो लेफ्ट का तब वो कैमरा एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही में आपको अब यहाँ पे टॉप पे भी एक कैमरा दी गई है जो एडास के लिए इस्तेमाल की जाती है तो इस गाड़ी में आपको रेडार प्लस कैमरा नहीं सिर्फ कैमरा दिया गया है व्हील्स आते हैं इसको लाइक सेड ओवरऑल जो अप्रोच है होंडा का वो ये कि हम गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टी बनाए तो इस वजह से उसके एलो व्हील्स को भी स्पोर्टीनेस की तरफ ज्यादा डिजाइन किया गया राधा देन सिंह कि हम इसको प्रीमियम लुक देंगे वैसे ही अगर आप इसका बैक एंड देखते हैं तो यहाँ पे मेजर कुछ अपग्रेड नहीं आए हैं छोटे मोटे चेंजेस आ गए डिजाइन में स्पेसिफिकली जो लोअर पार्ट है जो बंपर है वहाँ पे एक डिजाइन एलिमेंट को चेंज किया गया उसके अलावा वैसी ही लगती है आपको अच्छा सा बहुत प्यारा सा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ मिल जाता है एंड एल ई टेल लैम्प इसमें अवेलेबल कराए गए जिनको वो एंटेना जानने का शौक है तो इसमें शार्क फिन एंटेना अवेलेबल कराया गया अब अगर आप होंडा सिटी की बूट देखते हैं तो इसमें आपको दो अवतार जाते हैं बूट के एक हाइब्रिड जहाँ पे आपके पास बूट में स्पेस कम हो जाती है अब क्योंकि बैटरी पैक है तो इस वजह से थोड़ा बूट स्पेस कम हो जाता है

होंडा की कोई भी गाड़ी में आपको वायरलेस अभी तक नहीं आ रहा था इन द ट्वेंटी थर्टी लाख कैटेगरी पर अब इसे इंट्रोड्यूस यहाँ कर दिया गया रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी होंडा कैरी इंप्रूव किया लेकिन इसमें अब जो टर्न है जो डायनेमिक टर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी भी नहीं आया है वो मिसिंग है बट कैमरा पे आपके पास मल्टीपल मोड्स है जिससे आप उसको क्लोजली देख सकते हो वाइड पे देख सकते हो तो आपको पार्किंग में वहां कन्वीनियंस दे देता है एक और एक नया फीचर क्या है अब इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल गया है सो so, अगर आप हाइब्रिड वर्जन लेते तो आपको वायरलेस चार्जिंग पैड फिक्स मिलता है और जो पेट्रोल वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको एक मेक शिफ्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके कप होल्डर के ऊपर तो जब आप कप होल्डर नहीं इस्तेमाल कर रहे तब ऊपर आप लगा दीजिए वायरलेस चार्जिंग पैड जब इस्तेमाल कर रहे तो उसे हटा दीजिए क्योंकि आपकी जो हाइब्रिड वर्जन में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड मिल जाता है जो रेगुलर हैंड ब्रेक आ जाता है सो so इसी वजह से वहां जगह फ्री अप नहीं हो पाई है इसमें आपको ऑटो डे एंड नाइट मिरर मिलता है एम्बियंट लाइटिंग अब आ गई है वो काफी मिनिमल है एकदम बोलते हैं ना एकदम एम्बियंट फील ही देती है व्हाइट कलर की लाइट मिल जाती है सनरूफ आ जाता है एंड जो इसकी सीट्स है दे आर वेरी कंफर्टेबल अगर आप होंडा सिटी में पहले बार बैठ रहे हो यू विल बी रियली वेलकम विद दिस कंफर्टेबल सेट ऑफ सीट्स आगे की सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है एंड ऑलमोस्ट सोफा लाइक फील देते कुशनिंग भी काफी अच्छा है एंड यू विल ऑन यूल सीट्स अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो अब सेफ्टी के बारे में बात किया जाए सेफ्टी फीचर्स तो इसमें छह एबीएस प्लस सीबीडी देन टैलेस प्रटी मच गोज ऑन अब अगर मैं बिल्ड स्पेसिफिकली बात कर लू तो होंडा सिटी में आपको जो प्रीवियस जनरेशन थी 2014 वाला मॉडल उस पर ग्लोबल एंड कैप ने जो क्रैश टेस्ट किया उसको फोर स्टार रेटिंग मिले इनफैक्ट उसकी जो ट्विन कजिन थी जैज उसको भी फोर स्टार मिले थे अब ये नया प्लेटफॉर्म इसमें ज्यादा बेटर बिल्ड किया गया तो इस वजह से वी आर लाइक एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ स्टार रेटिंग इस गाड़ी को आनी चाहिए अगर क्रैश टेस्ट होता है अब चलते हैं बैक सीट पे टू तो शो यू व्हाट स्पेस इज देयर फॉर रियर पैसेंजर्स होंडा सिटी की अगर आप बैक सीट पे बैठते तो यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी नी रूम है, रूम की भी एक्चुअल में ज्यादा कमी नहीं है सो अगर आप टॉल पैसेंजर है तो आप पीछे बैठ के जा सकते हैं होंडा uh, सिटी हमेशा से लाइक एटलीस्ट फॉर द लास्ट टेन फिफ्टीन इयर्स से लोग पीछे बैठने के लिए ले रहे तो इस वजह से यहाँ रियर सीट को कम्फर्ट को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है आपके पास जो सीट का जो सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छा है एंड जैसे फ्रंट सीट से वैसे आपको रियर सीट में भी कम्फर्ट इंजॉय कर सकते हो अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी और बेटर हो सकती थी वो है थाई सपोर्ट

अगर आप एक सोफर ड्रिवन गाड़ी लेना चाहते हैं होंडा सिटी वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज आपकी बननी चाहिए इन दिसंट अब बहुत हो गई बात है कार सो so, अभी टू तो ड्राइव द कार स्टार्ट कर देते हैं इसको डाल दिया इन ड्राइव एंड यहां से हम चल दिए अब देखिए एक चीज मैं पहले क्लरिफाई कर देता हूं आपको जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आती है और जो 1.5 लीटर हाइब्रिड वाली आती है दोनों इंजिन में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बट जो उनका ओरिजिनल पावर था वो मेन्टेन्ड है बट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब चीजें अबाउट इट यहाँ पे गाड़ी में एमिशिन और कुछ बदलाव नहीं किया इंजन के परफॉर्मेंस ड्राइव में बट आई स्टिल एक्सप्लेन यू इन डिटेल जैसे आपको आइडिया नहीं हो लाइक यू यूर सींग इट फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लिए बना रहा हूं सो हॉन्डा सिटी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये रहा है कि आप एक्सेट्रा दबाते हो आपको तुरंत ही पावर मिल जाता है एट एनी गि पॉइंट ऑफ टाइम चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो सीवी uh, टी की बात कर लो और इवन द हाइब्रिड की बात कर लो हाइब्रिड थोड़ा लथार्जिक है ताकि आपको ज्यादा बेटर माइलेज मिले पर जो रेगुलर पेट्रोल इंजन आती है दैट हैज बीन बिल्ट के आपको काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिले हाँ देखिए अगर आप इसकी बात करते हो कि मुझे ड्रैग uh, रेस करना है या मुझे बहुत जीरो टू हंड्रेड करना है वो सब आपको मिल जाएगा इसमें पर आप अगर हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी के ऊपर जाते हो तो आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी बम्पी कंपेरेटिवली हो जाती है अदर देन दैट इट्स अ वेरी स्मूथ कार टू ड्राइव मतलब अगर आपको सिटी में गाड़ी चलानी है ना इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट आप मैनुअल चलाओ ऑटोमेटिक चलाओ हाइब्रिड चलाओ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा यू नॉट हैव अ पॉइंट टू कंप्लेन स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है गाड़ी का राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी आप खराब रोड्स पे भी चलाओगे तो आपको गड्ढे महसूस नहीं होंगे इन मोट केसेस तो इस वजह से आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी रहने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त है अब अगर आप हैंडलिंग की बात करते हो तो देखिए इसके टायर्स जो है थोड़े पतले हैं एंड फोकस ऐसे किया गया इस गाड़ी पे कि आपको ज्यादा माइलेज मिले सो so, इस वजह से हैंडलिंग के लिए अगर आपको ज्यादा बेहतरीन ग्रिप चाहिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा थोड़े थिकर थिकर मोटे टायर्स और साथ में थोड़े ज्यादा ग्रिपियर टायर्स की जरूरत पड़ेगी अब ऐसे नहीं कि टायर ग्रिप नहीं देते आपको बट अगर आप एक हार्ड कोर हैंडलिंग एंथुजियास्ट वो लॉजिक से सोचते हैं तब आपको टायर्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी वरना इंजन जो है ना ये बेस्ट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आज मार्केट में है इससे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको कोई और पेट्रोल इंजन नहीं देगा जो नॉन टर्बो है आप एक्सडर दबाओगे जस्ट मूव बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है इसका इवन मैन्यूल में आप ऑलमोस्ट कोई भी गियर पे रहो आपको ओवरटेक करने में जनरली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सो दिस इज वेयर द होंडा सिटी क्लियरली शाइन सिटी को सिटी में माइलेज अगर मैं कहूं मैन्युअल या सीवीटी की तो 12 के आसपास रहेगा और हाईवे पे अगर आप 80 90 पे चलाते हो तो आपको 18 से 20 तक का माइलेज भी मिल सकता है हाँ अगर आप भगाओगे तो ऑफकोर्स माइलेज गिरेगा हाइब्रिड में ऑन एन एवरेज आपको 24 से 26 के बीच में रियल लाइफ कंडीशंस में माइलेज मिलेगा और सिटी कंडीशन में अगर हाइब्रिड चलाते हो तो आपकी माइलेज बढ़ेगी और हाईवे कंडीशन पे थोड़ी घटेगी अगर आप तेज जाते हो वरना आपको बाईस तेईस तो हाईवे पे मिल जाना चाहिए एवरेज क्वाइट इजिली अब अगर मैं विजिबिलिटी की बात कर लू तो आपको विजिबिलिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप इससे पहले छोटी गाड़ी चला रहे थे तो आपको बॉनेट का गेट यूज टू होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ बॉनेट दिखाई नहीं देता एक सडेन है सो जनरली सडेन्स में आपको बॉनेट नहीं दिखाई देते आपको जजमेंट आने को दो तीन दिन या मैक्स एक हफ्ता लगेगा बट आप गाड़ी चलाना आपको क्वाइट ईजी रहेगा लाइक हाईवे पे चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा सिर्फ जो सिटी है वहां पे टर्न करना है वो सब एरियाज में आपको थोड़ा जैसे वन का दो दिन या मैक्स एक हफ्ता लग सकता है टू गेट यू स्टूट वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल कार टू बी इन और इसमें रीजन के आप मल्टीपल लेवल सेट कर सकते हो साथ ही में तो आपको अगर ज्यादा जल्दी क्लोज ब्रेक पाना है तो आप उसके लिए हाई लेवल रीजन रख सकते हो और ये अपने पैडल शिफ्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं आप अब इसमें आपको एडाज तो हाइब्रिड में पहले से ही था पर जो नॉन हाइब्रिड मॉडल है उसमें भी अब एडाज आ गया और ये कंप्लीटली कैमरा कंट्रोल्ड है और जो सारे फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ इनलाइन और सिर्फ फ्रंट है इसमें इसमें आपको रियर में एडाज नहीं मिलता है और इसमें भी फीचर्स थोड़े लिमिटेड है वैसे आ, कैमरा एडाज जो है वो हर कंडीशन में नहीं चलता है बाकी जो दूसरी गाड़ियां देती है वो कैमरा प्लस रेडार देती है इसमें आपको केवल कैमरा ही दिया हुआ है तो फॉग बारिश या इवन बहुत डार्क कंडीशन में आपका जो सिस्टम है माइट नॉट वर्क द बेस्ट जो एक प्लस कैमरा आपके लिए काम करेंगी सो so आपको लेन के अंदर वापस लाना वगैरह ये सब कुछ इसमें है एज फीचर्स तो यू विल नॉट स्ट्रगल विथ फीचर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया अपने ड्राई इंटीरियर में कि इसमें आपको रियर सनब्लाइंड भी आता है जो इस कैटेगरी में बहुत ही यूनिक फीचर है अब सवाल ये उठता है कि आपको होंडा सिटी पेट्रोल या हाइब्रिड खरीदनी चाहिए या नहीं सो so गाइज अब सवाल ये उठता है कि आपको होंडा सिटी लेनी चाहिए या नहीं और uh, एक चीज क्लैरिफाई कर दू कि डीजल अब बंद हो गया है डीजल होंडा सिटी में नहीं आने वाला है पेट्रोल एंड हाइब्रिड ही अवेलेबल है सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से एक अच्छा पैकेज हमेशा से होंडा सिटी थी जो इंप्रूवमेंट दिए हैं इसको मिनिमल है बट अच्छे हैं मतलब जो वायरलेस चार्जिंग वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले ये सारी चीज़ें जो दी हैं ये बहुत मिनिमल चेंजेस है बट ठीक है अच्छे खासे चेंजेस दिए गए इस गाड़ी को सो so, मेरे हिसाब से होंडा सिटी पहले भी अच्छा पैकेज था और आज भी है पर अगर आप वैसे बायर हो जो बोलते यार मेरे को फीचर में ये चाहिए वेंटिलेटेड सीट चाहिए ये वो वगैरह तो मैं आपको कहूंगा कि आप शायद होन्डा सिटी की तरफ ना देखो तब आप दूसरे ब्रांड्स दूसरी सडांस की तरफ देखो या एस की तरफ देखो बट अगर आपको चाहिए एक नो no नॉनसेंस गाड़ी जो आपको अच्छा खासा स्पेस दे कंफर्ट दे ड्राइविंग प्लेजर दे ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज हो वहां पे होन्डा सिटी मेरे तरफ से एक अच्छी चॉइस है नाउ द क्वेश्चन कम्स हाइब्रिड या पेट्रोल अगर आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है Then in that case, आपको आपको हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए वरना to recover that cost, आपको काफी साल रुकना पड़ेगा जो रेगुलर पेट्रोल है वीट वीट और दोनों काफी अच्छे टू ड्राइव तो फॉर योर रेगुलर ड्राइविंग और आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूल एफिशेंसी में भी परफॉर्मेंस में भी तो वो एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज आपके लिए बन जाता है और जो एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता था हाइब्रिड में रेगुलर पेट्रोल में भी आ चुका है सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही फीचर का फर्क है, brake, जो मेरे से नहीं है। so, अगर आप कंफ्यूज है कि मैं सडाइन लियू एस यूवी ल्यू मतलब बहुत ऑप्शन है सडाइन में भी ऑप्शन बहुत है एस यूज में भी बहुत ऑप्शन है तो मैं क्या करूँ तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जी हाँ आप हमारी टीम से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे कर सकते। अब आप कैसे करना है? आपको सिर्फ चले जाना है वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड कॉल टाइम बुक करना है, है क्योंकि इन्होंने सारी गाड़िया चलाई हुई है और ये आपको सही से गाइड करेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सी गाड़ी सही है वरना आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप करेंगे देन इट्स अ बिग यू नो आपको खुद को बुरा लगेगा आपकी फुल फैमिली एक गाड़ी लेते हैं ना तो इट्स अ फैमिली ड्रीम सो इन दैट केस आप आपकी फैमिली हर लोग हर इंसान कोई ना कोई सपना जोड़ता है कि मैं पीछे बैठूंगा सनरूफ दिखेगा या कुछ ऐसा रहेगा सो so हर कोई एक सपना बनाता है और जब गाड़ी सही नहीं लेते तो फुल फैमिली डिसअपॉइंट हो जाती है सो so इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आप कंफ्यूज है स्पीक टू अस विल हेल्प यू क्लैरिफाई विच कार शुड यू बाय और साथ ही में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं दबाया आपको तुरंत ही सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हम जो आपके लिए रोजाना कंटेंट लाते हैं ना इसमें मेजॉरिटी आपके डाउट्स वहीं क्लैरिफाई हो जाएंगे सो so गाइस right मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो टेक यू टुमारो बाय